This is MTV Splitsvilla 12. Two ideal matches. How was the first night as an ideal match? The best night in this villa. काफी लोग खुश भी थे. आपने से कहा दो गैंग बन गए, तो एक गैंग बड़ा खुश था कि अब हमारा भी एक आइडियल मैच है. Okay. बाकी सब के लिए एक opportunity है आज perform करने की. This is your next Baywatch session. जिसका नाम है Lock and Pop. 7 लड़के पीछे 7 अलग अलग गेट्स पे बंधे होंगे. लेकिन आपके लिए लड़कियां लड़ रही होंगी. आज आप लोगों के पास मौका है कि आपने जिस भी लड़के को अनलॉक किया उसको आपके साथ ही कल टेस्ट योर बॉन्ड चैलेंज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. It is not their choice. You're going to lock that connection. लड़के सारे बंधे होंगे. हाथों की चाबियां balloons में होंगे. And the balloons are going to be in the pool. Oh. लेकिन वो balloons आप हाथ और पैर के साथ नहीं pop कर सकते. आपको यूज करना पड़ेगा आपका पूरा बॉडी. उस चाबी से हाथ के जो दोनों लॉक्स हैं दोनों खुल जाएंगे, लेकिन पाँव के जो लॉक्स हैं दे आर वेरी ट्रिकी. पाँव में जो चाबी है वो एक चाबी से सिर्फ एक लॉक खुलेगा और दूसरी चाबी से दूसरा लॉक, और पाँव की जो चाबी होगी वो किसी ना किसी लड़की के पैर पे बंधी होगी. तो आपको देखना है कि जिसको आप अनलॉक करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल वो येलो कलर पे बंधे हुए हैं, तो आपको देखना है कि इस लड़की के पाँव में येलो धागा है, वो उसकी चाबी निकालो. ले जीनल. एक खुल जाएगा. फिर देखो दूसरी कौन सी लड़की के पैर में येलो धागा है. मेरे लिए कुछ नया नहीं था. मैं बहुत सारे दिनों से यही कर रही हूँ. दूसरों से लड़ लड़ के मैंने यहाँ पे सर्वाइव किया अभी तक. हाथ खोल के जब आप वापस अंदर आ रहे होगे आपको एक जूस की बॉटल को पीना होगा to energize yourself, to rejuvenate yourself so that you're ready to get back in the pit. Okay? Yes. Now, here's the tricky part. जिस लड़के का आखिरी लॉक जो लड़की खोलेगी, that is when the guy gets unlocked. तो 3 लॉक्स चाहे किसी ने भी खोले हो, जब चौथा लॉक खुलेगा तो वो लड़का अनलॉक होगा, और जिस भी लड़की ने वो अनलॉक किया होगा वही काउंट होगा, the last lock. Three, two, one, go! Come on, guys! Come on, guys! Hello! सारी की सारी लड़कियां झुंड में पूल के अंदर कूद जाती हैं, ऐसे कि 10 दिन से नहाई ना हो. और यही हुआ कि एलिस आई और एलिस का बिल्कुल कट गया. संभव तो बेचारा ऐसे बसंती के इंतजार करते रह गए. वो तो किसी और के साथ भाग गई. जा दोनों के पैर में. Which one you want, tell me? जीनल को मेरे हेल्प की जरूरत थी और श्रेय की चाबी अहाना के पैर पर थी. पंगा लेना तो बनता है ना. तेरे से हमने बदले तो लेने ही हैं. अभी थोड़ा सा ले लेते हैं. वो ले जीनल. Can you get me a balloon, please? Bro, what the hell? I want to get it again. Please, please, bust the balloon, guys. It's opening. यार तू क्यों कर रही है यार? I need it, bro. I'm sorry. I'll take it. भव्या का वो डेडिकेशन देखते हुए ना कि मतलब वो फाइट कर रही है अपने बंदे के लिए, कि मुझे बस फाइट करना है और मुझको अपने बंदे को सेव करना है. आजा प्री, भव्या. सब इधर. लिटरली मेरे सारे लॉक्स भव्या ने अनलॉक किए, तो मैं उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया था. फोर्थ बॉय इज डन. कहीं ना कहीं मैं अंकुश के साथ जीत के खुश भी थी, क्योंकि मुझे पता था अंकुश एक बहुत अच्छा परफॉर्मर है, तो मुझे अंकुश के साथ एक बार परफॉर्म करके भी देखना था. उदय हृदया You went to Uday for what? I don't even remember because मेरे mind में कोई strategy नहीं थी. Basically strategy नहीं है फिर भी उधर गई. That means there's a karmic connection. Right. Yeah. खुद ब खुद मैं खिंची चली आई. Since our ideal matches did absolutely nothing, we'd like to give you something to do. Tonight, both the couples will go on a date. Wow. Wow. आज मैं माशा के लिए कुछ अच्छा कुछ क्यूट चीजें करूंगा. हम दोनों इतना अच्छे से एक दूसरे को भी जान भी नहीं पाए थे, तो आज वो सब बातें भी कर लेंगे, जान लेंगे एक दूसरे को. हम बहुत एक्साइटेड थे कि फाइनली थोड़ी देर के लिए शांति मिलेगी दिमाग को. बाय गाइस, सी यू. बाय गाइस. We reached the location. पूल पूरा lit up था, बहुत ज्यादा रोमांटिक था. मायशा बहुत सुंदर लग रही थी और मैं भी काफी मतलब लाइक सेक्सी वैक्सी लुक लेके गया था, अपने बाल वाल फुल खड़े वड़े करके. अच्छा अपनी आंखें बंद करो. Okay. मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, so I thought कि मुझको लास्ट डे सनी मैम ने एक हार्ट दिया था, so I thought इसका मैं वो हार्ट दूंगा, इसको अच्छा फील होगा. अपनी आईज. Oh God. It was really sweet. मुझे काफी पसंद आया. सनी मैम जी देखो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं बिग फैन हूँ सनी मैम का, मैं आपको दे रहा हूँ. एंड दिस मीन्स कि आई वांट कि इस जर्नी पे आप मेरे साथ रहो, हम साथ में गेम खेले, हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहे, कोई इंसान भी हमारे कनेक्शन के बीच में ना आ सके. आई नीड टू टेल यू समथिंग एक्चुअली. तो जब हमको बोला था कि हम डेट पे जा रहे हैं, तो लोका आया. लोका ने बोला दैट ही माइट हैव फीलिंग्स फॉर मी. लोका ने बोला कि उसने एलिस को छोड़ा मेरे लिए. मेरे से बोला उसने. दैट मेड इट इवन मोर ऑकवर्ड. फिर आपका रिएक्शन क्या था? मुझे वो जानना है. देखो ऑनेस्टली लोका में अभी अभी चिल करने लगे हैं. इट्स नॉट लाइक हम बहुत टाइम से चिल करे, बट मोर देन लोका आई नो यू. आई हैव बीन स्पेंडिंग मोर टाइम विद यू देन लोका. एंड आई थिंक यू शुड बी रेस्ट अश्योर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है. आशीष मेरा आइडियल मैच है एंड मैं उसको और अच्छी तरह से जानना चाहती हूँ. एंड लोका इज जस्ट अ गुड फ्रेंड और वो एक गुड फ्रेंड ही रहेंगे. आज का जो टेस्ट योर बॉन्ड चैलेंज है उसका नाम है तेरा ग्लैमर. तेरा ग्लैमर. फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज ये लोग डॉग्स को लेके आने वाले हैं या फिर किसी को डॉग बनाने वाले हैं. रिसर्च के हिसाब से सनी द बेस्ट गिफ्ट दैट अ गर्ल वांट्स इज अ छोटा छोटा क्यूटी पपी. नॉट दिस पपी. That is what the guy wants. आज आप चारों एक रेस में होंगे. उस रेस में you guys will be little cute puppies. Sunny, what's a very important thing that guys or girls look for in a partner? The way they smell. Oh. पहले stage पर आपको 4 टी-शर्ट्स मिलेंगी, उसमें से एक ऐसा परफ्यूम स्प्रे होगा जो आपके जो पार्टनर हैं इस चैलेंज में वो इस्तेमाल करती हैं. आपको वो कलेक्ट करना है. वंस यू कलेक्ट दैट, फिर एक छोटा सा रैंप है, आप उसके ऊपर से जाएंगे, नीचे आएंगे और सेकेंड स्टेज पर सनी एक ऐसी चीज जो लड़कियां बहुत इस्तेमाल करती हैं. लिप बाम. तो यहाँ पर अलग अलग लिप बाम है, उनके अलग अलग फ्लेवर्स हैं, वनीला या स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट. आपको लिप बाम लगाना है और जब आपको पता लग जाएगी क्या वही आपकी जो पार्टनर है उनका फेवरेट फ्लेवर है, तो आपको जोर से वो फ्लेवर भी बोलना है. उसके बाद वहाँ पर मैनिक्विन्स पड़े होंगे, उस मैनिक्विन के ऊपर आपको वो उस पर आपको लिप ग्लॉस लगाना है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर गर्ल्स, राइट. और फिर आगे बढ़िए. जब आगे बढ़ोगे एक और ऑब्स्टिकल होगा, इट्स अ सी सॉ. थर्ड स्टेज वहां पर आपकी पार्टनर की हील्स पड़े होंगे. उसके बाद लास्ट ऑब्स्टिकल जो है एक टनल है, टनल के बीच में से आपको जाना है और एंड में बिफोर द फिनिश लाइन एक और प्रोडक्ट है, हेयर स्टाइलिंग अप्लायंसेस, और 4 अलग अलग शैम्पूज होंगे। तो जब आप स्मेल करोगे आपको समझ आ जाएगा अच्छा ये शैम्पू मेरी पार्टनर का है, और आपको ये चूज करना है कि क्या आज उसने कर्लर इस्तेमाल किया था हेयर स्टाइलिंग अप्लायंसेस का या स्ट्रेटनर। उसको आप लेकर जाओ करो, जैसे ही आप फिनिश लाइन में क्रॉस करोगे आपका टाइम स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आपको और आपकी पार्टनर को 5 मिनट मिलेंगे वेयर यू हैव टू ग्रूम योर सेल्फ। जो कपल सबसे अच्छा ग्रूम हुआ होगा उसके पूरे टाइम में से 10 सेकेंड कम हो जाएंगे। ऑल्सो जो लड़का सबसे ज्यादा सही चीजें लेकर आया होगा अपनी पार्टनर की, पर आइटम 10 सेकेंड्स विल बी माइनस्ड। वाह, यहां से जीतेंगे सिर्फ 2 कपल्स और आज डोम में सेफ हो जाएंगे। गर्ल्स रेडी? यस सर। योर टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 गो। मैं एकदम लॉस्ट पपी हो गया था, एक प्यारा सा कुत्ता जो घूम चुका है मेले में क्योंकि मुझे कुछ मिल रहा नहीं था आजू बाजू क्या है। लोका को देख के मुझे फीलिंग आई थी कि आज तो ये गली का कुत्ता बन ही गया। गुड पपी। मैं टी शर्ट लिया, मुझे मालूम नहीं कौन सा क्या है। मैंने रैंडमली स्मेल करके सोचा रहेगा कि ये भव्या का टी शर्ट है, मैंने उठा लिया। भव्या तो इस चैलेंज में बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि वो वैसे भी भौंकती रहती है। स्ट्रॉबेरी। उसने मेरे को कभी किस करा भी नहीं है तो कहाँ से उसको पता लगेगा कि टेस्ट क्या है मेरे लिप्स का। शिट यार, मैंने कहा ये भी गया। You have to apply to on the mannequin and then go ahead. चल पीयूष। अरे मत कर यार। भाई मैं मैनिकिन तो देख लूँगा है, क्या ना करूँ। मैंने उठाया, उधर से वो मेरे को बता नहीं सकती कि यहाँ सही उठाया गलत उठाया। अंकुश धीरे धीरे वो आगे बढ़ा और लास्ट स्टेज था हेयर अप्लायंसेस और मेरा शैम्पू। टाइम ऑन लोका एंड अंकुश। 2 लोका हमसे आगे था लेकिन मुझे ये पता था अंकुश सही चीजें कलेक्ट कर रहा है। गिव द पपी टू द गर्ल्स। ये ऑलराइट स्टॉप। वाओ 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 वाओ। क्यूट 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 पपी क्यूट पपी क्यूट पपी। टाइम ऑन उदय। 3rd आए थे उदय और उसकी टीम, और मैं लास्ट में देख रहा था कि बेचारे एलिस और पीयूष ये टास्क कर ही नहीं पा रहे। वो लोग दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पा रही। पहले लेट्स डिसाइड हु इज द मोस्ट वेल ग्रूम्ड। सनी। सौंदर्या एंड अंकुश। वेल डन। पीयूष और एलिस सब लास्ट। यू आर नॉट इवन इन द रेस गाइस। मुझे बहुत खुशी हो रही थी उनको हारते हुए देखते हुए। हर कुत्ते का दिन आता है बेटा, पर आज तेरा नहीं था। बाकी 3 क्लोज। लोका एंड भव्या एक चीज जो सही लेकर आए थे वो थी हील। शैम्पू आप सही लेकर आ पाए तो -15 सेकेंड्स। उदय एंड हृदया आप सिर्फ एक चीज सही लेकर आए द हेयर स्टाइलिंग अप्लायंस, तो आपके टाइम में से -5 सेकेंड्स। अंकुश आप लेकर आए 2 चीजें सही, द लिप बाम एंड द शैम्पू। -15। फाइनल टाइम बताते हैं। लोका योर टाइम वाज 7 minutes 25 seconds। उदय एंड हृदया 9 minutes 5 seconds। अंकुश और सौंदर्य आपका टाइम था 7 मिनट 1 सेकेंड। वेल डन अंकुश, सौंदर्य, लोका भव्या, आप आज का टेस्ट बॉन्ड चैलेंज जीत चुके हैं, बाकी के सब अनसेफ। बहुत ज़्यादा अपसेट था क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो थे वो हार चुके थे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि पीयूष घर जाए, तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। खुशी थी मुझे कि आज उनकी बारी है। अब हम डायलॉग मारते फिर रहे थे, तेरा क्या होगा कालिया। अब जितना पीयूष इससे पहले उड़ रहा था ना, उतनी उसकी आँख चुकी थी। अब तो मैं कोई मोमेंट छोड़ूंगा मैंने तेरे को निकालने का। कोई चांस अगर ऐसा आ गया ना, मैं तेरे को बाहर निकाल पाऊँ। आई विल थ्रो यू आउट।